प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्ट में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है, अध्याय 19 पद संख्या 16 से लेकर। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवा युवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवा युवक बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। भाई और बहनों, आजकल इन दिनों में, काफी दिनों से हमारे देश में एक शादी चर्चा में है। शादी ही नहीं, शादी का आडंबर चर्चा में है। ऐसा है कि शादी खत्म ही नहीं हो रहा। एक कार्यक्रम खत्म हो गया, दूसरा चालू हो गया, तीसरा चालू हो गया, और हमारे मीडिया के सभी लोग तमाम चीजों को हमारे सामने परोसते जा रहे हैं। एक प्रकार आडंबर देकर इंसान भी ऊब जाने लगे हैं। ये सब ऐसे एक देश में हो रहा है जहां पर सब लोग भरपेट भोजन नहीं कर पाते। कहा जा रहा है इसमें 5,000 करोड़ खर्च हो गया, कहा जा रहा है इसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया, कहा जा रहा है कि संपत्ति की तुलना में बहुत कम पैसे खर्च हो रहा है। प्यारे भाई और बहनों, ये सब हमारे देश में, जहां पर हमारे सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को भरपेट खाना यहां पर प्राप्त नहीं होता है, ये देखकर बड़ा दुख होता है। उससे ज्यादा हमारे सोशल जस्टिस पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। खैर प्यारे भाई और बहनों, हालांकि इससे जुड़ी बात आज के सुसमाचार में कहा गया है, प्रभु के पास जो भी आया है वो बड़े खुशी के साथ लौटा है। उनके पास से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा चला गया है जो दुखी होकर गया है। वो आज के सुसमाचार में देखे गए या सुने गए वह नवयुवक है। ये नवयुवक के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही गई है। ये एक सिंसियर व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान है, ऐसे कहने के लिए उनमें कोई बुराई नहीं है। और संत योहन के सुसमाचार में हम ये भी पढ़ते हैं कि उनकी बातों को सुनकर प्रभु आर्द्र हो उठता, उनका मन भी उनके पास चला जाता है। इसके बावजूद भी आज के सुसमाचार के अंत में यह कहा गया है, ये सुनकर वह नव युवक बहुत उदास होकर चला गया। एक ही व्यक्ति प्रभु के पास में से उदास होके गया है, वो यही व्यक्ति है। अपेरेंटली इज ए गुड मैन, उनमें कोई इस प्रकार का अपवित्रताएं नहीं है, वो आज्ञाओं का पूरा पालन करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, सिवाय जब प्रभु ने एक डिमांड उनके सामने रखा कि अगर तुम परिपूर्ण होना चाहते हो अपना सब कुछ बेचकर
गरीबों में बांट दो। तो क्या धन होना गलत बात है? शायद नहीं, लेकिन धन में हमारी प्रायोरिटी होना यह गलत बात है। शादी होना गलत बात है? नहीं, शादी में थोड़े बहुत अच्छे खर्च करना गलत बात है? नहीं, लेकिन आडंबर पे आडंबर यह क्या सही बात है? मेरा ओपिनियन है, और विशेष रूप से जब इस प्रकार के धूर्त हमें देखने को मिलता है, वो भी ऐसे एक देश में जहां पर लोग एक समय का रोटी की तलाश में रहते हैं, यह महापाप मुझे देखने को मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, वचनों को पढ़ते समय यह मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे जीवन में क्या हम धन अर्जित करते हैं गलत बात है? बिल्कुल नहीं है, धन अर्जित करना चाहिए, सबके लिए धन की जरूरत है। मुझे आत्मदर्शन चलाने के लिए भी खूब पैसों की जरूरत है, आप देख ही रहे हैं। पर क्या हमारी प्रायोरिटी सिर्फ धन कमाना ही होना चाहिए? इस पर मुझे सवाल है। मेरे वचनों को सुनने वाले आप सबों से भी यह सवाल है, जो फैमिली जीवन जीने वाले हर एक व्यक्ति से भी मेरा यह सवाल है, और कलीसिया से भी मुझे यह सवाल है। कलीसिया में भी अक्सर ये चीजों को देखने को मिला है, स्कूल स्कूल स्कूल, इसके अलावा हम सोच ही कुछ नहीं सकते। कहां है हमारी प्रायोरिटीज? प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन बड़े चुनौती हमें प्रदान करता है। एक साधारण का विश्वासी के जीवन में जिस तरह से वो जीता है, बड़ा महापाप तो नहीं करता है, वो किसी की हत्या नहीं करते हैं, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रचाते हैं, एक आम जिंदगी प्राय 90% विश्वासी जीते हैं। उसके बावजूद भी आज जो सुसमाचार में जिस व्यक्ति की हम चर्चा करते हैं, वो व्यक्ति ये 90% लोगों के जैसे हैं, और अधिकांश चर्च इंस्टीट्यूशन के जैसे हैं। फिर भी उनकी स्थिति कैसी रही? जब प्रभु ने उन्हें चैलेंज किया, डिमांड किया, बड़ा उदास होके चला गया। ये स्थिति मेरी ना बने, आपकी ना बने, कलीसिया की ना बने। आमीन।